अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? मैं खैरियत से हूँ और आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर का सालन। और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है हाफ कप और इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ये इस तरह का ही सॉफ्ट चाहिए हमें। और इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 टेबलस्पून। अब इसकी खुशबू आने तक इसको भून लेना है 1 से 2 मिनट। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 2 टमाटर ले लिए मैंने। इनको थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं, फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइस ऐड करते हैं। ये 1 टीस्पून है नमक। और ये नमक आप सोच रहे होंगे कि ये पिंक पिंक क्यों है, वाइट क्यों नहीं है, ये हमने पिंक सॉल्ट लिया हुआ है। और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा है ये, और 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून कुटी हुई ये मिर्च या सुरख, ये खुश्क धनिया है 1 टीस्पून भर के, बस यही स्पाइसेस जाएंगे। और ये एक हमने पनीर क्यूब ले लिया है, तो हम अब भूनेंगे जब तक के हमारा ये जो मसाला है ऑयल ना छोड़ दे। ये अब हमारे मसाले ने वो ऑयल छोड़ दिया। ये देखें भून चुका है मसाला। अब हम इसमें ये दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे, आलू और मटर, और इनको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसाला इनके अंदर तक जज़ब हो जाए। 2 से 3 मिनट हम इनको भूनेंगे। फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे जितनी कस्बे ज़रूरत हमें है। ना नया है, नहायत ही आसान है। अब ये हमारा मसाला, ये जो आलू मटर है ना, भून चुके हैं। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। बस ये इतना कि पानी डालेंगे। इसको रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है हमारे सालन की। माशाल्लाह रेडी हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें डालते हैं और हरा धनिया। आपको सर्व करके खाते हैं। हमारा आलू मटर का सालन रेडी है। और मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।